गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे अखंड ज्योति के एक लेख के बारे में, जिसमें महर्षि रमण ने भारत के पुनर्जन्म का दैवीय विधान बताया, जिसमें उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि किस तरह से भारत में एक देवदूत आएगा और भारत माता के कष्टों को दूर करेगा। महर्षि रमण केवल कौपीन धारण किए हुए थे। उनके शरीर पर कौपीन के अलावा और कोई वस्त्र नहीं था। उनके शरीर की निर्दोष त्वचा में उनके आध्यात्मिक प्रकाश की चमक स्पष्ट झलक रही थी। चेहरे पर हल्की ढाणी थी, जिसे वे कभी कभी अपने हाथों से फेर लेते थे। ओंठों पर बाल सुलभ निर्दोष हंसी में इतना सघन चुंबकत्व था कि कोई भी विवश होकर उनकी ओर आकर्षित हो जाए। इस हंसी में ऐसी आभा थी कि लगता था कि समूची कायनात ही हंस रही हो। आँखों में आध्यात्मिक प्रकाश के साथ प्रगाढ़ अपनापन इतना था कि कोई देखे और उस समुद्र में ही डूब जाए। ऐसा दिव्य एवं पवित्र व्यक्तित्व था महर्षि रमण का। महर्षि रमण की तपस्थली थी विरूपाक्षी गुफा। ये पवित्र गुफा उनके कठोर एवं एकांत तप की साक्षी थी। ये गुफा जाने उनके कितने अंतरंग के आध्यात्मिक प्रयोगों की गवाह थी, जो उन्होंने वहाँ एकांत में संपन्न किए थे। विरूपाक्षी गुफा अरुणाचल पर्वत की तलहटी में बसी थी। अरुणाचल को दक्षिण का हिमालय कहा जाता है। अरुणाचल में ही तप करने के लिए महर्षि रमण को बचपन से आदेश प्राप्त था। उन्होंने अपनी किशोर अवस्था में ही मृत्यु का साक्षात्कार कर लिया था और पूर्व नियोजित एवं सुनियोजित घटना ने उन्हें इस पर्वत पर प्रस्थान करने के लिए प्रेरित किया था और वे तिरुवन्नामलाई शहर चले गए थे, जहां पर ये पर्वत और उसकी तलहटी में विरूपाक्षी गुफा स्थित थी। महर्षि रमण वहां आए तो थे अकेले ही, वहां तप करने लगे। धीरे धीरे दैवी कृपा से उनके पास कुछ लोग आए और वहां पर एक आश्रम विनिर्मित हो गया। महर्षि के आश्रम के कड़कड़ में उनकी तप ऊर्जा घुली हुई थी, इसलिए वहां का वातावरण दिव्य सुखद एवं सम्मोहक था। आश्रम परिसर में जो लोग रहते थे वे थे एचमा महव स्वामी, रामनाथ ब्रह्मचारी एवं मुदलियर क्रेनी। महर्षि मौन ही अधिक रहते थे, परंतु उनके मौन की प्रगाढ़ता में इतनी ऊर्जा भरी थी कि वह किसी मुखर से मुखर दिव्य वाणी से भी भारी थी। महर्षि का कठोर तप विश्व कल्याण के लिए निहित था। उन्होंने सर्वप्रथम विरूपाक्षी गुफा में अपनी चेतना को परिष्कृत किया। चेतना परिष्कृत हुए बिना किसी बड़े आध्यात्मिक प्रयोग को सफल नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिष्कृत चेतना ही दैवीय ऊर्जा को धारण करने योग्य होती है। इसके पश्चात उनकी चेतना की नई नई परतें खुलती गईं और चेतना की अंतिम परत में अहम आत्मा में विलीन हो गया। बाद में उनकी आत्मा परमात्मा से एकाकार हो गई। अहम के आत्मा में स्थानांतरण ने उनके मनुष्य रूप को दिव्यता में रूपांतरित कर दिया। उसी क्रम में उन्होंने परतंत्र भारत, जो अपने प्रारब्ध की मार से कराह रहा था, को भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से हल्का किया था और भारत की स्वतंत्रता में महती योगदान उन्होंने दिया था। ये इतने रहस्यमय तरीके से संपन्न हुआ था कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वैसे भी ये रहस्यमयी प्रक्रियाएं अज्ञात एवं दुर्लभ होती हैं। इन्हें ना कोई जान पाता है और ना कोई समझ पाने का सामर्थ्य रखता है, केवल उनके स्तर के लोगों के अलावा। महर्षि रमण की दृष्टि ज्ञात से अज्ञात लोक की ओर उठी हुई थी। वे पुनः गंभीर एवं मौन थे। उनके पास रामनाथ ब्रह्मचारी थे। रामनाथ ब्रह्मचारी ने महर्षि से पूछा, स्वाधीनता प्राप्ति की घड़ी में भारत माता की आंखें क्यों छलक पड़ी थीं? इस सत्य को कुछ ही लोग अनुभव कर पाए थे कि भारत माँ की एक आंख में खुशी के आंसू छलक रहे थे, जबकि उनकी दूसरी आंख दुख के आंसुओं से डबडबाई हुई थी। आप भी इस तथ्य से परिचित थे और आप ही इसका रहस्य उद्घाटन कर सकते हैं।
महर्षि बोले, तुम सही कह रहे हो। भारत माता की खुशी स्वाधीनता की थी और दुख विभाजन का था। अपने ही संतानों ने माता का विभाजन कर दिया था। विभाजन की ये पीड़ा बड़ी दारुण थी और यातना बड़ी असहनीय। फिर भी उम्मीद थी कि स्वाधीन देशवासी संभवतः समझदार हो जाएंगे और अपनी माँ की दर्द को समझेंगे तथा उसे इस दारुण पीड़ा से अवश्य मुक्त करेंगे। परंतु मुझे कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। मुझे जो कुछ दिख रहा है वह इस स्वतंत्रता को और भी धूमिल और धुंधला ना कर दे। यानी जिनके हाथों में सत्ता गई वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये उनको स्पष्ट दिख रहा था। रामनाथ ब्रह्मचारी बोले, इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत माता की स्वतंत्रता अभी आधी अधूरी है। इस आधी अधूरी स्वतंत्रता का परिणाम क्या होने वाला है? महर्षि बोले, आगामी दिनों में भारत में विभाजन के नए नए रूप सामने आएंगे। भूमि तो नहीं कटेगी पर भावनाएं अवश्य खंडित हो जाएंगी। भूगोल तो यही रहेगा परंतु उसमें खिंची संवेदनाओं की लकीरें धूमिल हो जाएंगी। संवेदनाओं की सरिता को सोखने वाले इस दूषित कलुषित करने वाले विभाजनों के कितने ही रूप सामने आएंगे। विभाजन धर्म के नाम पर, विभाजन जाति के नाम पर, विभाजन भाषा के नाम पर, विभाजन सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता के नाम पर, इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें ठीक से गिन पाना भी मुश्किल होगा। महर्षि की भविष्य दृष्टि भारत माता के उस दयनीय एवं भीषण रूप को निहार रही थी जिसे शब्दों में आकार दे पाना अत्यंत कठिन था। महर्षि आगे बोले, आगामी हर स्वाधीनता दिवस पर भारत माता की आंखें आंसुओं से भरी होंगी, जिसके जिम्मेदार वे लोग होंगे जिनके हाथों में इसके उद्धार के लिए सामर्थ्य एवं शक्ति दी जाएगी। अपने शुद्र एवं निहित स्वार्थ के लिए ऐसे लोग कुछ भी करने के लिए उतारू रहेंगे। अपनी उद्धत महत्वाकांक्षा और अहंकार की पूर्ति के लिए ऐसे लोग भारतीय स्वाभिमान का चीरहरण करने में भी संकोच नहीं करेंगे। ये स्थिति स्वतंत्रता के बाद दीर्घकाल तक बनी रहेगी। महर्षि को विराम लेते देख रामनाथ ने पुनः प्रश्न किया, महर्षि ये तो भारत का बहुत ही अंधकारमय भविष्य दिखाई पड़ता है, परंतु आप एवं आपकी समकक्ष ऋषि सत्ताएं तो सदा से उज्जवल भविष्य का आश्वासन देती रही हैं, क्या वैसा संभव नहीं हो सकेगा? महर्षि बोले, आसुरी शक्तियां चाहे भारत के भविष्य को अंधकारमय करने का कितना ही प्रयत्न कर लें परंतु दैवीय विधान कुछ और ही है। इस दैवीय विधान के आगे इन क्षुद्र स्वार्थियों एवं अहंकारियों को बलात् झुकना एवं भागना पड़ेगा। इनको या तो मरना पड़ेगा या फिर बचने के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भारत का उज्जवल भविष्य स्पष्ट एवं साफ दिखाई दे रहा है। महर्षि बोल रहे थे और रामनाथ ब्रह्मचारी सुन रहे थे। महर्षि आगे बोले, भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल है और कोई भी ताकत चाहे वह कितनी ही सामर्थ्यवान क्यों ना हो धूमिल नहीं कर सकती। भारत को जागना ही होगा, भारत को उठना ही होगा, क्योंकि भारत के भविष्य के साथ सारी सृष्टि का भाग्य जुड़ा हुआ है। अतः सृष्टि के विकास के लिए भारत को अपने गौरवपूर्ण अतीत को फिर से जगाना होगा। अपनी सूझबूझ पराक्रम एवं आध्यात्मिकता के बल पर इसे फिर से जगतगुरु के महतीय पद पर अलंकृत होना है। महर्षि कह रहे थे, ये दैवीय विधान है, इसे कोई रोक नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। अतः भारत की संतानों को अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति सचेत एवं जागरूक होना होगा और इस जागरूकता के लिए भगवान अपने विशिष्ट दूत को अवश्य भेजेगा, जो भारत के साथ ही सृष्टि के अंधकार को नष्ट कर भगवत प्रकाश का अवतरण करने में महती भूमिका निभाएगा। इतना कहकर महर्षि रमण मौन हो गए। भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति वे परम आश्वस्त थे। तो ये है महर्षि रमण की भविष्यवाणी जो उन्होंने भारत के भविष्य के विषय में की थी। किस तरह सत्ताओं ने भारत का दुरुपयोग किया, जनता को मूर्ख बनाया और जातियों और धर्म में बांट दिया। गुरुदेव ने भी
अखंड ज्योति में कहा है, हमें पूरा विश्वास है कि मनुष्य की समझ लौटेगी, परम सत्ता का सहयोग मिलेगा, प्रकृति अनुग्रह करेगी, बुरे समय की संभावना अब समाप्त ही होने जा रही है। यह हमारी आने वाले कल के संबंध में भविष्यवाणी है। तब हम सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण संसार में फैले प्रतिभावानों को झकझोर कर नव सृजन योजना में उसी प्रकार बलपूर्वक संलग्न करेंगे जैसे कि हमारे मार्गदर्शक ने हमें किया, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ये कहा गया है। तो किस तरह से हमारे जो ऋषिगण हैं, हमारे जो संतगण हैं, कैसे वो आश्वस्त थे भारत के भविष्य के बारे में, तो ये लेख अखंड ज्योति का है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।